12 बजे एक्ट पढ़ाया जाएगा, लेसन फंक्शन इन लोग का शाम को ये किया जाएगा, एक तुम लोग का अलग से पढ़ा जाएगा, फिर तुम लोग का केवी बच्चों का अलग से पढ़ा जाएगा। ये दोबारा इन लोग का थोड़ा जल्दी खत्म करना है कोर्स, थोड़ा उन लोग का स्कूल खुल जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो एरिया अंडर तो आप देखे, इसके आप पहले थोड़ा थोड़ा ये करना है। हाँ बोलिए सर, आज फिर से 8:30 बजे क्लास होगा? देखते हैं आज, शायद देखते हैं आज, शायद नहीं होगा, थोड़ा ये थोड़ा 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ाएंगे तो इसलिए नहीं होगा, शायद कल तो होगा, कल 3 बाद क्लास होगा। एरिया ऑर्डर का और देखिए कुछ और बात को जानना है। ओके देखिए तुम्हारा कुछ ये ऐसा वाइस का रिकॉर्ड 4x, इसका ग्राफ आपको जानना है। पारा वाला का पहला है। ओके वाइस का रिकॉर्ड 4x का ग्राफ ऐसा होता है। वाइस का रिकॉर्ड क्लास 11 में आप पढ़े ऐसा होगा, वाइस का रिकॉर्ड 4x का ग्राफ। अगर तुम्हें बोलता है कि वाइस का रिकॉर्ड x का ही बोलता है ऐसा होगा। ओके वाइस का रिकॉर्ड 2x भी बोलता है ऐसा होगा, या 3/2x भी बोलता है ऐसा होगा। ये वाइस का रिकॉर्ड 4x हो गया, वाइस का रिकॉर्ड 4x का ग्राफ ऐसा होता है। अगर नेक्स्ट वाइस का रिकॉर्ड टू -4x, वाइस का रिकॉर्ड टू -4x, ये ग्राफ कैसे होगा? ये इसका ग्राफ उल्टा हो जाएगा बच्चों, थोड़ा ये ग्राफ जानना है, उसके बाद जाके ये चैप्टर पढ़ेंगे। वाइस का रिकॉर्ड -4x का ग्राफ बच्चों ऐसा होगा। ओके वाइस का रिकॉर्ड -4x हो, वाइस का रिकॉर्ड -x हो, वाइस का रिकॉर्ड हो -2x हो, ये सभी ग्राफ ऐसे होगा। ठीक है नेक्स्ट वाला पहला बच्चे पारा वाला का पढ़ रहे, जो कि क्लास 11 में हम पढ़ चुके थे। देखिए एक्स का रिकॉर्ड हो बड़ा, एक्स का रिकॉर्ड 4ay का ग्राफ, एक्स का रिकॉर्ड 4ay का ग्राफ, एक्स का रिकॉर्ड 4ay का ग्राफ, 4ay का ग्राफ ऐसे होगा आपका। ठीक है ये एक्स और कौन डैश है, ये वाई और कौन वाई डैश है। ठीक है ये एक्स का रिकॉर्ड 4ay का ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है ये हम ऑलरेडी पढ़े हैं, एक्स का रिकॉर्ड वाई का ग्राफ ऐसा ही होगा। ओके एक्स का रिकॉर्ड टू वाई का ग्राफ ऐसा ही बनेगा। नेक्स्ट वाला एक्स का रिकॉर्ड टू 2y का या 2/3y का ग्राफ, सभी का ग्राफ ऐसे ही आएगा। एक्स का रिकॉर्ड 4ay का ग्राफ ऐसा आएगा। थोड़ा लिखते जाइए, जाना बनाते जाइए, थोड़ा आपके टाइम लगेगा। ओके नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, तो एक्स का रिकॉर्ड टू -4ay, एक्स का रिकॉर्ड -4ay, ग्राफ उल्टा हो जाएगा। जब माइनस जुड़ जाता है ग्राफ उल्टा हो जाता है, जब माइनस जुड़ता है तो ग्राफ रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। एक्स का रिकॉर्ड -4ay क्या होता है, उसका उल्टा हो जाएगा। ओके ये उसका भी शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ पे पढ़ोगे, एक्स का रिकॉर्ड -4ay का ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है तो द्वारा एक्स का रिकॉर्ड -4ay हो या एक्स का रिकॉर्ड टू -y हो, ओके गलत बोले हैं, गलत बच्चे ग्राफ गलत बनाए, एक्स का रिकॉर्ड -4ay का ग्राफ ऐसे उल्टा होगा, नीचे को होगा ना? हाँ नीचे आएगा, गलत गलत है, एक्स का रिकॉर्ड -4ay का ग्राफ उल्टा हो जाएगा। ओके एक्स का रिकॉर्ड टू -y का ग्राफ ऐसा आएगा, या एक्स का रिकॉर्ड टू -3/2y का ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है उल्टा हो जाएगा। ओके ये एक्स का रिकॉर्ड वाई है, 4ay है, तो उसका उल्टा हो जाएगा, एक्स का रिकॉर्ड -4ay है, ये एक्स का रिकॉर्ड 4ay है, इससे माइनस जुड़ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट ग्राफ देखिए, अभी ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ सब भी होगी, अगर ड्रॉ द ग्राफ बोलता है, ड्रॉ द ग्राफ हो गए, ड्रॉ द ग्राफ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, ओके ये x इक्वल टू -4, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -4, ओके ऐसे सब ग्राफ है, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू x, ओके y इक्वल टू mx, y इक्वल टू x, x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, इसका सब ग्राफ देखिए।
अगर ऐसा ग्राफ अगर बोलता है ड्रॉ द ग्राफ एक्स इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू फाइव एक्स इक्वल टू जीरो, सब ग्राफ देखिए हम लोग क्लास नाइन में सब ग्राफ बना रहे हैं, देख लीजिए थोड़ा। ओके लिखिए जल्दी कुछ लिखते हैं, वाई कॉल एम एक्स, वाई कॉल एक्स, एक्स इक्वल डे वाई कॉल बी। ओके ऐसा ग्राफ बोलता है, ये देखिए क्या ग्राफ ऐसा होता है। ओके ये तुम्हारा वन है, ये टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, ये ओरिजिन है। ओके ये वन है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, वन टू थ्री फोर, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। सॉरी तो क्वेश्चन में बोला है क्या क्या ग्राफ करने के लिए, एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू फाइव, ऐसे होता है। एक्स इक्वल टू फाइव है तो ऐसे आएगा, ये फाइव में जाएगा। ओके एक्स इक्वल टू फाइव ऐसे आएगा, फाइव में आएगा, एक्स इक्वल टू फाइव आएगा, एक्स इक्वल टू फोर, एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री वो ऐसे आएगा, एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री का ग्राफ वो ऐसे आएगा। नेक्स्ट पर एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल वन, एक्स इक्वल जीरो, तो इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स इक्वल टू जीरो होता है। ओके वाई का इक्वेशन एक्स इक्वल टू होता है, एक्स इक्वल वन होता है, एक्स इक्वल टू जीरो होता है। ओके तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, एक्स इक्वल जीरो। ओके देन एक्स इक्वल माइनस वन, एक्स इक्वल माइनस टू, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। सपोज बोल रहा है कि एक्स इक्वल टू माइनस थ्री माइनस फोर, तो ऐसा कुछ बोल रहा है। ओके तो तुम्हारा ये ऐसा आएगा तुम्हारा कि ओके एक्स इक्वल टू माइनस फोर, एक्स इक्वल माइनस फोर का ग्राफ ऐसे होगा, माइनस फोर हो जाएगा। ओके एक्स इक्वल टू माइनस फोर, तो ये माइनस फोर में से सीधा जाएगा, एक्स इक्वल माइनस फोर, एक्स इक्वल माइनस टू बोलता तो ऐसा आएगा। ठीक है तो ये तुम्हारा ऐसा है। ओके एक्स इक्वल ए का बोलता है, एक्स इक्वल ए का ग्राफ बोलता तो ऐसा आएगा, ए में कोई एक ए डिस्टेंस पॉइंट है। ओके एक्स इक्वल ए का ग्राफ ऐसे होगा, ए में जाएगा। ओके इसी तो ग्राफ एक्स इक्वल ए आएगा, एक्स इक्वल ए ऐसा। अच्छा नेक्स्ट बात है तुम्हारा वाई का ऊपर, वाई इक्वल टू टू, वाई इक्वल टू थ्री ऐसा बात बोलता है। ओके वाई इक्वल टू टू का ग्राफ ऐसा आएगा, पर वाई इक्वल टू टू का जो ग्राफ है टू ऐसा आएगा, टू में जाएगा, ये वाई इक्वल टू टू का ग्राफ है, वाई इक्वल टू का ग्राफ, वाई इक्वल टू, वाई इक्वल थ्री, वाई इक्वल फोर, वाई इक्वल वन, वाई इक्वल जीरो। इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस जो है वो वाई इक्वल टू जीरो होता है। ओके वाई इक्वल टू ऐसा होता है, वाई इक्वल टू, वाई इक्वल वन, वाई इक्वल जीरो। ओके इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है नेक्स्ट तुम्हारा y इक्वल टू क्या ड्रॉ करना है, y इक्वल टू माइनस, हाँ y इक्वल टू द्वारा माइनस फोर ऐसे ड्रॉ करना है। ओके y इक्वल टू माइनस फोर, माइनस फोर में जाएगा, y इक्वल टू माइनस फोर ऐसे होगा, ये y इक्वल टू माइनस फोर, y इक्वल टू माइनस फोर का ग्राफ ऐसा है, y इक्वल टू माइनस फोर। ओके अगर y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ ऐसा जाएगा, ओरिजिन में जाएगा, y इक्वल टू एक्स हो, y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, y इक्वल टू एक्स हो, y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ ऐसे सब जाएगा, ओरिजिन देके जाएगा y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एक्स थ्री एक्स, ये y इक्वल टू एक्स थ्री एक्स ऐसे, y इक्वल टू ऐसे जाएगा, और x बाय टू थोड़ा नीचे आएगा, y इक्वल x बाय टू, y इक्वल x बाय थ्री ऐसे नीचे आएगा, y इक्वल टू एक्स ऐसे चल जाएगा, y इक्वल mx का ग्राफ। ठीक है अच्छा और एक बात है तुम्हारा, ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है, ये y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ वैसे ही आएगा, y इक्वल टू एक्स फोर का ग्राफ ऐसा ही आएगा, y इक्वल टू एक्स सिक्स का ग्राफ ऐसे सब आएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है, y इक्वल टू एक्स फोर का ग्राफ वही आएगा, y इक्वल टू एक्स सिक्स का ग्राफ भी वैसे ही आएगा। ठीक है अच्छा
नेक्स्ट बारा वाई इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ पॉलिनोमियल का फंक्शन था, पॉलिनोमियल फंक्शन ओके वाई इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स फोर हो तो देखे वाई इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा आएगा, वाई इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा आएगा, ये वाई इक्वल एक्स क्यू हो, वाई इक्वल द्वारा एक्स फाइव हो, वाई इक्वल एक्स सेवन हो, सभी का ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। वाई इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स फोर का ग्राफ तो मैं बोल दिया, वाई इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स फोर का ग्राफ मैं बोल दिया, एक्स स्क्वायर एक्स फोर का ग्राफ सभी का ऐसा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सर्कल का ऊपर देखिए सर्कल, वाई इक्वल एक्स क्यू वाई इक्वल एक्स फाइव सभी का ग्राफ ऐसा जाएगा, सर्कल का ऊपर देखिए ज्यादा यूज है, ये द्वारा सर्कल है, सर्कल का ग्राफ देखिए, ये सर्कल है द्वारा ओके, ये द्वारा ये सेंटर एच होता है और के होता है, ओके ये सेंटर एच होता है और क्या होता है के होता है, एच के सेंटर ओके, ये द्वारा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ओके इक्वेशन ऑफ सर्कल बोले, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगा इसका, इक्वेशन ऑफ सर्कल बोले क्या होगा, और चलो इक्वेशन सर्कल बोलिए और भी तो बोल सकते हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल अनमोल दीप्ति मई बोलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगा बोलिए, अनंत बोल सकते हो, आजाद सर एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेरी गुड, ये बनेगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो वही होता है हमारा ओके, ये द्वारा ये एक आर्बिटर पॉइंट एक्स वाई लेना है ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला डालना है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर का रेडियस ओके इक्वल टू आर स्क्वायर ओके, ये द्वारा नेक्स्ट देखिए, ये द्वारा इक्वेशन सर्कल है ओके, आपको याद रखना है ओके, नेक्स्ट देखिए अगर सेंटर अगर ओरिजिन होता है तो क्या होता है, अगर पर सेंटर अगर ओरिजिन होता है तो क्या होता है, बोलिए सेंटर अगर ओरिजिन होता तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है सर, एच के जगह जीरो जीरो डालते, वेरी गुड ओके सर, एक स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये द्वारा सेंटर ओरिजिन होता है तो हमारा एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर ओके इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये डिस्टेंस द्वारा होता है जीरो टू आर द्वारा ओके, ये द्वारा आर जीरो होता है ठीक है, ये एक्स माइनस वाई एक्स प्लस सॉरी ये द्वारा क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स माइनस एक आर्बिटर पॉइंट लेते हैं एक्स वाई, डिस्टर फॉर्मूला डाल दीजिए क्या आएगा, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर का इक्वल टू आर स्क्वायर ओके, ये द्वारा सेंटर है, ये सेंटर आइए, ये ज़्यादातर यूज है ये फॉर्मूला ओके, कुछ ऐसा होता है ओके, कुछ बच्चों ऐसा होता है द्वारा कि और इस बार सर्कल में यहां पर द्वारा ये है यहां पर द्वारा ये क्या है पूरा ये एक्स एक्सिस ओके, यहां पर द्वारा ऐसा गया है वाई एक्सिस,
ये वाई एक्सिस क्या है, ओके, ये वाई टेंस और वाई, ओके, और एक बार पॉइंट एच और वाई, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट, हमारे एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। व्हाट इज द इसका फॉर्मूला बोलिए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल से फॉर्मूला बोलिए, ये वाला भी यूज होता है, मैक्सिमम यूज है ये वाला, इसका फॉर्मूला इक्वेशन बोलिए, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, यहाँ पर रेडियस जो एच होता है, ये डिस्टेंस पर, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो आपका एच है, रेडियस एच होता है, एच का स्क्वायर, ओके। कभी कभी ऐसा देता है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो, तुम्हारा इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलता है, ऐसा जब रहता है इक्वेशन ऑफ सर्कल है कि इसको कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए, क्या करेंगे, एक टू का स्क्वायर इधर ऐड करेंगे, ओके, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक इधर ऐड करेंगे, इधर भी एक ऐड करेंगे, ओके, तो ए स्क्वायर प्लस क्वेश्चन सर, ये माइनस टू रहता है, ये माइनस टू रहता है, माइनस टू एक्स रहता है, एक टू का स्क्वायर इधर ऐड करेंगे, उधर ऐड करेंगे, ऐसा जब क्वेश्चन रहता है, ये इक्वेशन सर्कल का ही है, ऐसा जब क्वेश्चन रहता है इक्वेशन सर्कल का है, ये बनेगा एक्स माइनस, यहाँ पर एक वन का स्क्वायर ऐड करोगे, यहाँ पर एक वन का स्क्वायर ऐड करोगे, ओके ओके, और इधर भी ऐड करोगे, ये बनेगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ओके, और यहाँ पर एक वाई स्क्वायर रहता है, वाई स्क्वायर भी देता है क्वेश्चन, ऐसा रहता है एक्स माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इधर नहीं बनेगा वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल वन स्क्वायर, तभी ये तुम्हारा ऐसा आएगा, यहाँ पर सेंटर वन जीरो आएगा, ये एच जीरो का मतलब वन जीरो, जब ऐसा क्वेश्चन देता है तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन सर्कल का ही है, ओके, यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर एक रहता है, ओके, प्लस वाई स्क्वायर रहता है, तो ये इक्वेशन सर्कल का ही है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक वन का स्क्वायर इस तरफ ऐड करेंगे, उस तरफ भी ऐड करेंगे, ये बनेगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये इसका सर्कल ऐसे बनेगा, तो क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल जीरो, ये सर्कल का ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर करके ऐसे बनाएंगे, ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। नेक्स्ट बार ऐसा होता है क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन ऐसा रहता है, ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि ग्राफ बनाइए आप थोड़ा, ग्राफ थोड़ा बड़ा हो गया, चलेगा करते हैं, चेक करेंगे, ये तुम्हारा वाई है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, यानी ये द्वारा जो है ये के होता है, यानी ये जीरो के होता है, यानी इसका इक्वेशन बोलिए, इसका इक्वेशन क्या होगा बोलिए, एक्स और क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच होल स्क्वायर, वो एक ही फॉर्मूला, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, यहाँ पर रेडियस के है, ओके, ये भी ग्राफ यूज होता है, ये सर्कल का है सभी ग्राफ, ये एक तो ग्राफ है, यानी ये एक तो ग्राफ है, और ये एक तो ग्राफ है जो ओरिजिन से गया था, ओके, ठीक है, ये सर्कल का खत्म हो गया, अभी नेक्स्ट देखिए, ये लिख दिए बच्चे, ग्राफ लिख दिए, अच्छा, सपोज नेक्स्ट देखिए, ये तो सपोज ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, इसका ग्राफ बनाएंगे, तो आपको ऐसा बनाएंगे, आप x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1, x by a plus y by b equal to 1, okay, x by a plus y by b equal to 1, okay,
तो द्वारा क्या होगा, इसका यहाँ पर वन बनाना है तो इधर ये इंटरसेप्ट फॉर्म करते हैं, इसको सिक्स इधर डिवाइड कीजिए, सिक्स डिवाइड कीजिए, यानी एक्स बाई थ्री हो जाएगा, वाई बाई टू हो जाएगा, इक्वल टू वन हो गया। इसका ग्राफ जल्दी बन जाएगा, क्या होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स का इंटरसेप्ट थ्री है, वाई का इंटरसेप्ट टू है, तो ग्राफ इसका हो जाएगा ऐसे इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में। इसका इक्वेशन अपनी, इसका इक्वेशन क्या है, टू एक्स प्लस कितना थ्री वाई इक्वल टू सिक्स। ओके, तो वो चाहिए मैक्सिमम सर्कल पैराबोला, और इसी का ही ग्राफ होता है, और लाइन का जो ग्राफ सभी हम पढ़े हैं वही सब पर ग्राफ यूज होता है। हम लोग का जो ग्राफ है वही सभी ग्राफ यूज होता है, द्वारा ये सर्कल का ग्राफ, पैराबोला का ग्राफ ये द्वारा। नेक्स्ट देखिए, द्वारा ये इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, और सभी ग्राफ कुछ याद नहीं आ रहा है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, और सर आपको मॉडुलस मॉड एक्स का ग्राफ तो तुम्हें पता है, अगर मॉड एक्स का ग्राफ, ओके मॉड एक्स का ग्राफ ये है, आपको पता है ये मॉड एक्स का ग्राफ है, वाई इक्वल टू मॉड एक्स, इसका शिफ्टिंग भी है। ओके चलिए ठीक है, आज इतना ग्राफ होता है, उसके बाद पढ़ाते हैं, आज शुरू करते हैं, चलिए मैथ ये प्रॉब्लम शुरू करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात ये द्वारा है। ओके, सपोज ये द्वारा ऐसा क्वेश्चन दिया है कि ये द्वारा एक तो फंक्शन होता है, इस फंक्शन का ये क्वेश्चन दिया होगा, फंक्शन दिया होगा कि ए टू बी दिया होगा और एक डी एक देगा, ओके ऐसा देगा फंक्शन। ओके, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एरिया निकालना है इसका, फंक्शन का एरिया निकालना है। ओके, ये फंक्शन है और ये द्वारा ए है और ए टू बी है। ओके, एफ एक्स डी एक्स, डी एक्स मीन्स चेंज इन एक्स एक्सिस है, डी एक्स मीन्स चेंज इन एक्स एक्सिस है। ओके, और डी वाई मीन्स चेंज इन वाई एक्सिस। ओके, जब ऐसा होता है ये एरिया निकालता है इसका, ये द्वारा जो ग्राफ है ए टू बी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ओके, ये है। ओके, तो तुम्हारा यहाँ से देखना है तुम्हारा ए टू बी ऐसा, ये रिप्रेजेंट करता है ये चेंज इन एक्स एक्सिस। ओके, इसलिए डी एक्स रहता है। ओके, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा ग्राफ होता है तुम्हारा, कभी कभी ऐसा ग्राफ होता है कि वाई एक्सिस में विजिट करता है, ऐसा रहता है इसका, ये y एक्सिस में विजिट करता है। ओके, ग्राफ ऐसा रहता है ये। ओके, ये एफ ऑफ y में रहता है। ओके, सभी इन टर्म्स ऑफ y में रहता है, यहाँ सभी x में रहता है, सभी ये सभी x में रहता है, यहाँ पर y में रहता है। ओके, ये पर a टू b रहता है, ये ग्राफ पूछता है, इसका एरिया पूछता है। ओके, तो ये तुम्हारा क्या है, ये y एक्सिस है, चेंज इन y एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस है, इसलिए क्या होगा, ये जो है डी वाई रहेगा, डी वाई का मीन्स चेंज इन वाई एक्सिस, कहाँ से कहाँ, ए टू बी एरिया निकालना है, और ये सभी इन टर्म्स ऑफ वाई में रहेगा, क्योंकि डी वाई है तो इन टर्म्स ऑफ वाई में रहेगा इधर। ओके, ये इसका ये रिप्रेजेंट करता है इसका एरिया। ओके, यहाँ पर जो इन टर्म्स ऑफ वाई में रहेगा, यहाँ पर जो इन टर्म्स ऑफ एक्स में रहेगा। ओके, ठीक है। अच्छा, और एक बात है कि सपोज तुम्हारा ग्राफ ऐसा रह गया, कुछ ग्राफ ऐसा उल्टा आ गया, मीन्स बिलो द एक्स एक्सिस आ जाएगा, फंक्शन जो है बिलो द एफ एक्सिस आ जाएगा। ओके, फंक्शन जो है बिलो द एफ एक्स, ये एक्स एक्स के नीचे आ जाएगा, ये एफ एक्स है और ये तुम्हारा ए है और ये बी है, ये एरिया निकालना है। ये एरिया निकाल, ये भी सेम थिंग ए टू बी होगा, ये एफ एक्स डी एक्स होगा, ये डी एक्स क्यों होगा, चेंज इन एक्स एक्सिस, सभी सभी एक्स में आएगा इधर, ये सभी एक्स में रहेगा यहाँ पर, लेकिन इसमें मॉड लग जाएगा, मॉड इसलिए लगेगा क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस जो है वो हमेशा एरिया नेगेटिव आएगा, इसका एरिया नेगेटिव आएगा,
इसका एरिया नेगेटिव आएगा, लेकिन इसे पॉजिटिव करने के लिए एरिया नेवर भी नेगेटिव, इसे पॉजिटिव करने के लिए क्या कीजिए, मॉड लगा दीजिए। ठीक है, सपोज एक तो आपका सपोज मैं बोलता हूँ कॉस एक्स का जो ग्राफ है वो बोलता हूँ, ओके सपोज तुम्हें निकाला है कॉस 0° 1 और कॉस 90° कॉस 180 -1 ओके। तो तुम्हारा सपोज ये कॉस एक्स का ग्राफ का तुम्हारा बोल रहा है कॉस ऐसा दे रहा है, क्वेश्चन दिया है ऐसा कि क्वेश्चन ऐसे दिया है 0 to π दिया है, अगर तुम्हारा कॉस एक्स डी एक्स बोलता है ओके, कॉस एक्स डी एक्स बोलता है ओके, तो तुम्हारा क्या होगा यहाँ पर, ये एक्चुअली इसका अगर ये है तो तुम्हारा अगर ये आपका बोलता है इसका फाइंड द एरिया बोलता है, फाइंड एरिया अगर इसका बोलता है फाइंड, एक्चुअली अगर ये इंटीग्रेशन इसका तो एरिया 0 हो जाता है, लेकिन बोलता है फाइंड द एरिया तो क्या करेंगे आप, ये 0 to π/2 क्या हो जाएगा इसका, ये 0 to π/2 इसका क्या होगा, इसको ऐसा करेंगे 0 to π/2 आपका cos x आएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन आपका जो π/2 से पाई का जो एरिया आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा इसलिए इसको क्या करेंगे, π/2 से पाई का एरिया जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, इसीलिए इसको मोड देंगे। अगर बोलता है एग्जाम में फाइंड द एरिया बोलता है तो ये 0 to π/2 तो प्लस आएगा क्योंकि अबव द एक्स एक्सिस है, अगर π/2 से पाई जो एरिया है वो नेगेटिव है, ऐसा अगर ऐसा बोलता है इसका क्या इंटीग्रेशन आएगा, इसका इंटीग्रेशन 0 आएगा, लेकिन अगर बोलता है फाइंड द एरिया बोलता है तो ये पॉजिटिव आएगा ये नेगेटिव आएगा, इसलिए नेगेटिव आएगा बोल के उसको क्या कर देंगे, मोड दे देंगे। ठीक है, इसका एरिया भी नेगेटिव आएगा तो उसे मोड दे देंगे क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस है। ओके, डी एक्स रिप्रेजेंट करता है चेंज इन एक्स एक्सिस, जब डी एक्स इधर सब इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्स में रहेगा इधर, ओके तो बिलो के एक्स एक्सिस का जो एरिया हो नेगेटिव होता है इसलिए इसको मोड दे जाते हैं। ओके, यहाँ पर वाई का भी उसी तरह होता है, अगर कोई ग्राफ ऐसा होता है, ग्राफ ऐसा होता है ओके, इस तरह पे अगर है एफ ऑफ वाई में होगा, इन टर्म्स ऑफ वाई में होगा ये, ठीक है, और ये तुम्हारा ऐसा है इसका एरिया, ये वाई का इस तरफ है, वाई का इस तरफ है, इस तरफ का एरिया कुछ बोलता है, और ये ए टू बी है तो ये ए टू बी आएगा, चेंज इन वाई एक्सिस इसलिए डी वाई आएगा, यहाँ पर सब इन टर्म्स ऑफ वाई में आएगा, जब डी वाई है तो इन टर्म्स ऑफ वाई में आएगा। ओके, इसका एरिया कितना तो नेगेटिव आएगा इसीलिए इसको मॉड दिया जाएगा। ओके, इसका एरिया जो आएगा सो मॉड लग जाएगा क्योंकि इसका एरिया क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, कोई कुछ बोलना लगता है सर, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, हाँ वाई का इस तरफ लेफ्ट में रहेगा तो नेगेटिव आएगा। अच्छा ठीक है, कल से रिलेशन फंक्शन पढ़ा जाएंगे। ओके, कल से पढ़ा जाएगा, मैं 12 बजे कोई भी कल से या मंडे से पढ़ा जाएगा। ओके, अरे रिलेशन फंक्शन में सब नहीं आएगा, एक ही तो आएगा कि क्या बोलो तो जो रिफ्लेक्स सिमेट्री फंक्शन तो उड़ गया है, इस बार नहीं है फंक्शन, नहीं है एक ही चैप्टर है, वो एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मंडे से मैं पढ़ाऊंगा रिलेशन फंक्शन। ओके, और लेकिन शाम का ये लोग का क्लास एरिया ऑर्डर तो और रहेगा। ओके ठीक है सर, हाँ जी बोलिए, इस तरफ का एरिया नेगेटिव आएगा, वाई एक्सिस का, हाँ सर वाई एक्सिस का अगर नीचे में आएगा तो y एक्स का किधर आएगा, y एक्स का दो चीज आएगा, इधर राइट में आएगा तो पॉजिटिव आएगा, लेफ्ट में आएगा तो ये x एक्सिस का ऊपर नीचे हो सकता है, हम लोग जाएंगे a टू b जाएंगे, y एक्सिस में दो आ सकता है, राइट में आएगा नहीं तो लेफ्ट में, लेफ्ट में जो आएगा वो नेगेटिव आएगा इसलिए इसको मोड दिया जाएगा, इसे मोड दिया जाएगा। ठीक है, x एक्सिस का ऊपर नीचे आ सकता है, ये राइट में पॉजिटिव एरिया आएगा, ये लेफ्ट में नेगेटिव आ रहा है इसलिए मोड दिया जाएगा क्योंकि एरिया नंबर भी नेगेटिव। ओके, और एक्स एक्सिस का ये ऊपर में पॉजिटिव आएगा लेकिन बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव आएगा, एक्स एक्सिस का बिलो द ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, इसलिए इधर जो पाई से पाई बाय टू से पाई इसका मोड दिया जाएगा क्योंकि इसका एरिया नेगेटिव आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात है, उस बार शुरू करते हैं, ये बहुत छत्ता चैप्टर जल्दी खत्म हुआ, 3-4 क्लास में खत्म हो जाएगा। कल बच्चों में थोड़ा इंटीग्रेशन का मेथड पढ़ाऊंगा, मंडे से तुम लोग का रिलेशन फंक्शन के भी बच्चों को पढ़ाऊंगा, और इवनिंग बच्चे रिले ये एरिया अंडर का और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा जाएगा।
अगर तुम भी चाहते तो मॉर्निंग में आ सकते हो, रिलेशन फंक्शन जल्दी खत्म होगा, छोटा चैप्टर है, उसमें सिर्फ रिफ्लेक्स सिमेट्री पढ़ा जाएगा। ओके अच्छा देखिए, एक फंक्शन ऐसा है गया है, एक फंक्शन ऐसा गया है। ओके ये एक फंक्शन है। ओके ये ए टू बी है। ओके ए टू बी है। ओके ये एक फंक्शन ऐसा गया है। ओके और एक फंक्शन बी है, ये ऐसा गया है, और एक फंक्शन जी एक्स है ऐसा गया है। देन ये एरिया फाइंड करना है हमें, ये एरिया फाइंड करना है। तो क्या कहेंगे, हमारा क्वेश्चन ऐसा दिया होगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ओके ये माइनस ये ए टू बी वही ए टू बी जी एक्स डी एक्स ऐसा इसका आएगा, ऐसा एरिया ऐसा निकाला जाएगा। पहला ऊपर का एरिया में होगा, यहाँ से यहाँ तक देखा जाएगा, ये ऊपर का एरिया आएगा माइनस ये जी एक्स का एरिया माइनस हो जाएगा। ओके ये एरिया कैसे आएगा, ऊपर का एरिया में ये जी एक्स का एरिया माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन हम करवाएंगे, पहला ऊपर का जाएगा माइनस ये जी एक्स का एरिया माइनस हो जाता तो ये एरिया सेंटर रीजन इतना ही आएगा एरिया। ठीक है, तो एफ एक्स का एरिया में एरिया पे एफ एक्स मीन्स पूरा ऊपर का टच हो गया उसमें। ओके जी एक्स का एरिया क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये एरिया पे सेंटर रीजन आएगा। ओके ओके कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, ये बच्चे लिख दिए, लिखना तो लिख दीजिए किसको लिखना है, और एक बात है कॉन्सेप्ट के बाद शुरू करेंगे। ओके ओके ऐसा है कि ये द्वारा ऐसा ऐसा है एफ एक्स, ये ग्राफ एफ एक्स का ग्राफ है। ओके और ऐसा है जी एक्स, ये ग्राफ जी एक्स का ग्राफ है। ओके ये तुम्हारा एरिया निकालना है, ये सेंटर रीजन निकालना है, ये एफ एक्स का ग्राफ है, ये जी एक्स का ग्राफ है, देन ये एरिया पे सेंटर रीजन निकालना है। तो क्या किया जाएगा, ये दोनों को सॉल्व किया जाएगा, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा, समझ रहे हो, इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। तुम क्लास 10 में पढ़े हो, अगर दो ग्राफ दो लाइन को सॉल्व करने के बाद जो आता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ओके सबट्रैक्शन मेथड हो या एलिमिनेशन मेथड हो, दोनों को सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने के बाद एक्स दोनों फंक्शन को सॉल्व किया जाएगा, सबट्रैक्शन मेथड हो या एलिमिनेशन मेथड हो। सॉल्व करने के बाद सपोज एक्स का वैल्यू ए आया, बी आया, सी आया, ओके तो जो ए बी सी आया वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ये ए हाँ ये पॉइंट आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। जो दोनों ग्राफ को सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व करने के बाद ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो यहाँ से इधर क्या जाएगा, ये पॉइंट तुम्हारा ए है, यहाँ से एक ये किया जाएगा। सॉल्व करने के बाद तुम्हारा एक्स का वैल्यू और जे एक्स का वैल्यू, हाँ ये इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों का सॉल्व करने पर ये सब पॉइंट आएगा। ओके सपोज ये तुम्हारा आएगा, सपोज ए की और कुछ आएगा, ए और वाई का वैल्यू सपोज कि जो भी आएगा टू या थ्री ऐसा या फोर ऐसा आया, तो एक्स का ए आएगा इधर। फिर इसको सॉल्व किए से सपोज ये बी वाई का सपोज फाइव आया, तो यहाँ पर यहाँ से एक ड्रॉप किया जाएगा, यहाँ से एक ड्रॉप किया जाएगा, ये बी आया। फिर इसको सॉल्व किए तो ये आया, तो यहाँ पर से ऐसे ड्रॉप किया, सपोज एक तो पॉइंट आया तुम्हारा, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट सी थ्री कुछ ऐसा आया। ठीक है, ऐसा ड्रॉप किया जाएगा। अभी बच्चों ये कैसा एरिया आएगा कि पहला ये एरिया हमें चाहिए, फास्ट ये एरिया हमें चाहिए। ये एरिया कैसा आएगा, पहले देखोगे किसको पहले टच कर रहा है, ऐसे चेक करोगे किसको टच कर रहा है, कौन सा फंक्शन को टच कर रहा है। देखिए कौन सा फंक्शन को टच कर रहा है, ये ए टू बी आएगा, ये ए टू बी आएगा। ओके ये ए टू बी आएगा, कौन सा फंक्शन को टच कर रहा है देखना है। बोलिए ए टू बी कौन सा फंक्शन को ऊपर पहले टच कर रहा है, कौन सा फंक्शन है ब्लैक वाला, कौन सा फंक्शन है, एफ एक्स है, एफ एक्स है। देखिए वैसे देखेंगे पहला ऊपर वाला, देखिए ये ब्लैक वाला कौन सा फंक्शन है, ब्लैक वाला कौन सा फंक्शन है, एफ एक्स है। ओके उसके बाद ये जी एक्स, उसमें क्या करना है, ये जी ये माइनस कर देना है, ये वाला जी माइनस कर देना है, ये वाला एरिया माइनस करना है, मुझे इतना चाहिए एरिया। तो क्या होगा, पहला ऊपर का देखें तो ये एफ एक्स का फंक्शन है,
फिर यहाँ से यहाँ नीचे वाला को देखे तो किसका फंक्शन है, ये जी एक्स का फंक्शन है, माइनस ये जी एक्स हो जाएगा और ये वही ए टू बी जी एक्स हो जाएगा, मतलब तो एक साथ भी कर सकते हो। ओके तो पहला वाला हो गया, नेक्स्ट का एरिया कैसा होगा? नेक्स्ट का एरिया पहले ऊपर का टच करके देखोगे कौन है, कौन सा फंक्शन है, ऊपर का टच कर लिए, देखिए कौन सा फंक्शन है, ये जी एक्स का आएगा, ये जी एक्स आएगा, उसमें कौन सा माइनस करना है, यहाँ पर देखिए ये वाला एरिया माइनस करना है, ये जब ऊपर का टच किया मीन्स पूरा एरिया आ गया, जब ऊपर का टच किया मीन्स ये जब ये बी टू सी जी एक्स कर दिए हम, ये बी टू सी जी एक्स कर दे मीन्स पूरा एरिया आ गया। ओके पूरा एरिया में ये वाला एरिया माइनस कर देना है, ये वाला इसका इस एरिया का कॉर्न के नीचे जो एरिया है वो माइनस कर देना है। ओके कॉर्न का नीचे जो एरिया है वो माइनस करना है, तो कॉर्न के नीचे जो एरिया माइनस करना है तो क्या होगा, कॉर्न के नीचे माइनस कर रहा है तो मीन्स किसको टच कर रहा है, ये एरिया, इस कॉर्न के नीचे जो एरिया माइनस करना है वो किसका है, एफ एक्स का है, वो माइनस करना है, एक साथ भी कर सकते हो माइनस एफ एक्स, एक साथ भी कर सकते हो, ऐसा ही होता है उसका। ओके देखना है। ओके और डी एक्स फॉर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का कोई ये होता है डी एक्स, जब ये डी एक्स होता है सब एक्स में रहता है। ओके चलिए क्वेश्चन करते हैं। ओके छोटा छोटा से चलते हैं। ओके देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 8.1। ओके अगर तुम बोलोगे व्हाइट में प्रॉब्लम है तो ब्लैक कर देंगे बच्चों, व्हाइट में अगर प्रॉब्लम होता है ब्लैक कर देंगे, तुम अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है बोलिए। ओके अच्छा देखिए कर्व बोलिए x इक्वल टू y स्क्वायर और y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ बोलिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ बोलिए और y स्क्वायर इक्वल x का ग्राफ बोलिए, कैसे होगा, कौन सा सेट होगा बोलिए, ये बच्चों होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये आपका ग्राफ। ओके वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और वाई स्क्वायर इक्वल x का ग्राफ हो गया। अच्छा बोलिए x इक्वल 1 का ग्राफ कैसे होगा, x इक्वल 1 का ग्राफ कैसे होगा, x इक्वल 1 का ग्राफ ये जाएगा 1 में जाएगा सर पैरेलल टू y एक्सिस, वेरी गुड ये x इक्वल 1 का ग्राफ आएगा। अच्छा बोलिए x इक्वल 4 का ग्राफ कैसे होगा, ये 4 में जाएगा। ओके x इक्वल 4 ये 4 में जाएगा, ये बच्चों x इक्वल टू 4 हो गया। ओके हमें यहाँ पर दो रीजन मिल रहा है, ऊपर एक तो नीचे एक तो मिल रहा है, कौन सा रीजन बोल रहा है देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंड बाय दिस लाइन एंड द x एक्सिस, तो कौन सा देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द दिस लाइन एंड द x एक्सिस, मैंने ये एंड द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। ओके हमें फाइंड करना है ये रीजन, ओके ये वाला रीजन का एरिया फाइंड करना है सर। हाँ बोलिए। अच्छा ये sir, नीचे भी तो आएगा, नीचे वाला नहीं लेंगे? हाँ यहाँ पर क्वेश्चन अगर अबव द एक्स एक्सिस बोलता तो ऊपर होता है, नीचे वाला भी आएगा बोलिए, क्वेश्चन में अगर बोलता है तो अबव द एक्स एक्सिस तो ऊपर वाला लेते हैं, लेकिन ये बोला है तो एक निकाल के इंटू टू कर देंगे वो, जो नीचे का जो एरिया आएगा ऊपर का वही एरिया आएगा। ओके वाई एक्स अगर अबव द एक्स एक्सिस बोलता तो सिर्फ ऊपर होता, कुछ नहीं बोला तो ये भी होगा वो जो नीचे वाला भी होगा। एक बात इसका एरिया ट्वाइस अप होगा, इसका एरिया जो है ट्वाइस अप होगा क्योंकि नीचे का एरिया जो है उतना, ये 1 to 4 जाएगा, 1 to 4 जाएगा और किसको टच करता है देखिए, कौन सा कर्व को टच करता है देखिए, कौन सा कर्व को टच कर रहा है इसका अंदर में, दैट इज क्या किसको, अच्छा ये डी एक्स में होगा,
क्यों dx में होगा? क्योंकि हम x एक्सिस में विजिट कर रहे हैं। जब dx में होगा इधर सभी इन टर्म्स ऑफ x में आएगा, तो y इक्वल क्या हो जाएगा? रूट एक्स हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, इसका एरिया डबल होगा। क्यों डबल होगा? ऊपर का जो एरिया नीचे का वही एरिया होगा, इसीलिए डबल होगा। ये 1 to 4 निकालना है। ओके, जब ये dx क्यों लिखेंगे? dx इसलिए लिखेंगे हम x एक्सिस में विजिट कर रहे हैं। ओके, dx इसलिए लिखेंगे, जब ये dx है सब इन टर्म्स ऑफ x में इधर आएगा। तो ये जो इसके अंदर में जो था मैं देखा, इसको टच कर रहा है, वो किसको टच कर रहा है? देन y इक्वल क्या बनेगा बोलिए? तो y इक्वल क्या बनेगा? रूट एक्स बनेगा। ठीक है, आप बच्चे इसका अभी निकालते हैं। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन निकालिए बच्चों। x का पर हाफ का इंटीग्रेशन बोलिए, x का पर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1। ओके, और ये हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 आएगा, और ये डेफिनेट इंटीग्रल है, 1 to 4 है। ओके, ये एरिया ट्वाइस ऑफ होगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे बोल रहा है, अगर अबव द एक्स एक्सिस तो वो ऊपर वाला पार्ट ही होता। अच्छा, ये ट्वाइस हो गया। ये बच्चों कितना रहा? 3/2 होता है, तो 2/3 होगा। ठीक है, बच्चों ये 3/2 जो उल्टा हो जाएगा, ये एक्स का पावर कितना आया? 3/2। ये 1 to 4 है। ओके, देन बच्चों ये तुम्हारा बन गया 4/3। पहला 4 का पावर 3/2 बनेगा, माइनस 1 का पावर 3/2 बनेगा। ओके, देन ये बच्चे 4/3 बना। पहला इसका 4 का रूट बनेगा, पहले 4 का रूट, उसके बाद क्यूब बनेगा। 4 का रूट आएगा 2 आएगा, 2 का क्यूब 8 आएगा, माइनस 1 का जो भी हो 1 आएगा। ये बनेगा 7/4 28/3। आंसर थोड़ा चेक कर दीजिए, 7/4 28/3 यूज करोगे, आंसर थोड़ा चेक कर दीजिए कितना दिया। देखिए, ये पहला 4 का 1/2 बनेगा, मीन्स रूट बनेगा, उसके बाद क्यूब बनेगा। ओके, आंसर बच्चों चेक कीजिए। ओके, जब dx इन टर्म्स ऑफ y में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बच्चे करेंगे इन टर्म्स ऑफ y में करेंगे, दोनों में करेंगे, सेकंड क्वेश्चन दोनों में करेंगे। ये इन टर्म्स ऑफ y में नहीं आएगा, क्योंकि x इक्वल 1 एक x इक्वल 4 था, इसलिए इन टर्म्स ऑफ 1 में नहीं आया। ये हमारा x एक्सिस में हो गया। इन टर्म्स ऑफ ये dy में एक तो क्वेश्चन करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चे ऐसा ही बनेगा। ओके, dy में जो क्वेश्चन बनेगा मैं बोल दूंगा, वो क्वेश्चन जब आएगा तो मैं बोलूंगा उस टाइप का, दोनों में करेंगे। ये बच्चे थोड़ा बनाइए आप, फिर उसके बाद मैं बनाऊंगा। ये x इक्वल टू 2 बोलिए, अच्छा बोलिए y स्क्वायर इक्वल टू 9x, और y स्क्वायर इक्वल 4x का ग्राफ कैसे बनता था? y स्क्वायर इक्वल 4x और y स्क्वायर इक्वल 9x का ग्राफ कैसे बनता था? ये y स्क्वायर इक्वल 9x का ग्राफ है, x इक्वल टू 2 बोल रहा है, ये x इक्वल टू 2 बनेगा, x इक्वल 4 बोल रहा है, ये x इक्वल टू 4 बनेगा, और ये बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला एरिया। आप निकाल के मुझे बोलिए कितना है इसका एरिया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ही निकाल रहा है, बोलिए कितना आंसर आया, मुझे बोलिए आंसर कितना है, बोलिए। अच्छा बच्चा देखिए, सर 4 होल 4 - √2 यूनिट स्क्वायर। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 to 4 जाएंगे, 2 to 4 जा रहे हैं, यहाँ x एक्सिस को विजिट कर रहे हैं, तो dx आएगा। जब dx आएगा सब इन टर्म्स ऑफ x में इधर आएगा, x एक्सिस को विजिट कर रहे हैं इसलिए dx होगा, सब इन टर्म्स ऑफ x में आएगा। देन y इक्वल टू कीजिए, ये 9x का रूट ओवर होगा, दैट इज 3√x आएगा, 3 कॉन्स्टेंट बाहर रहता है, ये √x dx होता है। ओके, ये एक ही क्वाड्रेंट है और इसमें इंटू 2 करना नहीं है, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x का पावर हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2,
एक्स के ऊपर हाफ प्लस वन बाय नीचे भी हाफ प्लस वन, थ्री बाय टू उल्टा हो जाएगा टू बाय थ्री और ये टू टू फोर, ये थ्री थ्री कट जा रहा है, ये टू आ रहा है, ये पहले फोर का पावर थ्री बाय टू होगा और टू का पावर थ्री बाय टू होगा। ओके देन बच्चे बन रहा है ये पहला फोर का थ्री बाय टू मीन्स फोर का रूट टू उसका पावर क्यू, ये जो वन बाय टू मीन्स फोर का वन बाय टू मीन्स ये इसका ये होता है ये टू आएगा, टू का क्यू आएगा एट आएगा और ये जो है ये टू का रूट टू उसका क्यू, टू को ये वन बाय टू मीन्स रूट होता है, इसको तीन बार इंटू करने से टू रूट टू आएगा, टू रूट टू आएगा। देन ये आप इंटू कर सकते हैं ये सिक्सटीन माइनस फोर रूट टू। अनंत थोड़ा आंसर चेक कर दीजिए थोड़ा। अनंत सर मैं दोनों क्वाड्रेंट का निकल दिया था इसलिए एक्स्ट्रा टू इंटू हो गया। क्वेश्चन में पढ़िए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रहा हो, क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल लिखा है इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर ये नहीं